आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस का। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपनी पास पॉलिसी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पॉलिसी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं ऐप पर, जो प्ले स्टोर है उस पर चल देते हैं। इस प्रकार आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च पर जाएंगे, तो सर्च पे आपको लिखना है चोलामंडलम एमएस इंश्योरेंस ऐप, है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐप लिखा है। ऐप लिखने के बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं, ठीक है। एक दिख रहा है यहाँ पे, देखिए चोला एमएस ब्रेकिंग दिख रहा है। ये हमारे काम का नहीं, इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। काम का हमारा ये है ना, ट्यून इंटू चोला एमएस, इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहले इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन का, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ओपन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको ओपन करना है, इसको ओपन कर देते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक तो रजिस्टर नाउ दिख रहा है और एक लॉगिन नाउ करके दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर नाउ करना है ना, रजिस्टर करना है। पहले तो आपको रजिस्टर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको साइनअप दिख रहा है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मान लीजिए आपका नाम मुकेश सिन्हा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मुकेश लिख दीजिए, यहाँ पर सिन्हा लिख दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिए, मोबाइल नंबर जिसमें आपको अब व्हाट्सअप चलता है ना उसी नंबर को लॉगिन कीजिएगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी इसको टिक कर दीजिए, इसको टिक कर दीजिए, उसके बाद रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन कैसा होगा देखते हैं। जिस नंबर पर आपने रजिस्टर किया है उसका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे गेट ओटीपी कर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन कर दीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपका चालू हो जाएगा ये ऐप। इस ऐप में देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हेल्थ दिख रहा है, ठीक है, कार दिख रहा है, बाइक दिख रहा है, ट्रेवल दिख रहा है, होम दिख रहा है। तो आपको डाउनलोड करना है पॉलिसी कार का, मान लीजिए तो कार का करते हैं, ठीक है। कार का करने के लिए यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला है ना, और नेटवर्क यहाँ पर होम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है पॉलिसी, ये ठीक नीचे में पॉलिसी का ऑप्शन दिख रहा है, उसको टिक करते हैं, माय पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए कार दिख रहा है, तो कार को टिक करना आपको ना, कार का कर रहे हैं इसलिए, तो कार का कर दीजिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको अटैच पॉलिसी, ठीक है, तो अटैच पॉलिसी कर दीजिए। अटैच पॉलिसी करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है पॉलिसी नंबर। यदि आपको आपका पॉलिसी नंबर नहीं पता, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है एम परिवहन नेक्स्ट जनरेशन करके, उसको देखिए, उसमें आपको आपका पॉलिसी नंबर भी दिख जाएगा और इंजन नंबर, चेसिस नंबर पूरा कंप्लीट दिख जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पॉलिसी नंबर डालेंगे, यहाँ पे इंजन नंबर डालेंगे, यदि न्यू व्हीकल है तो, और यदि ओल्ड व्हीकल है तो गाड़ी नंबर डाल दीजिएगा। गाड़ी नंबर डालने के बाद अटैच पॉलिसी कर दीजिए। अटैच पॉलिसी जैसे ही करेंगे आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा, ठीक है। वो मैसेज कैसा आएगा देखते हैं, बताते हैं उसको। देखिए इस प्रकार से आपके नंबर पर मैसेज आएगा, आपको लैंग्वेज पूछेगा, आपको हिंदी में बात करना है कि इंग्लिश में। आपको हिंदी में बात करना है तो दो दबा दीजिए, यदि इंग्लिश में बात करना है तो एक दबा दीजिए, ठीक है। जैसे ही दबाएंगे आपको फिर विकल्प आते जाएंगे। देखिए आपको विकल्प आया, आपको पॉलिसी दस्तावेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हाँ टाइप करें। तो जैसे ही आप हाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर आपको आपकी पॉलिसी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर हाँ लिखा, फिर उन्होंने मुझे मेरी पॉलिसी भेज दिया। उस पॉलिसी को फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।